नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द E39 रेस्टोरेशन आज की वीडियो में हम इस BMW E39 के डेड क्लच पेडल को फिक्स करेंगे इस गाड़ी का जो क्लच सिलेंडर है वो लीक हो चुका था और वो बहुत ज्यादा रस्टी था इसलिए वो काम नहीं कर रहा था हमने रिपेयर करने की कोशिश करी बट वो ठीक नहीं हुआ तो लास्ट में हमने एक नया क्लच सिलेंडर इसके अंदर डाला है तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने थर्टी बोनट खोला हुआ है और मैं अब आपको अंदर जाके दिखाता हूँ इसका जो क्लच पैडल है वो बिल्कुल ही नॉन रिस्पॉन्सिव मतलब वो पूरा का पूरा फ्लोर पर चला जाता है गाड़ी में बैठने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मैं क्लच पैडल को दबाऊंगा वो वापस नहीं आता दिस इज डेड क्लच पेडल और नो क्लच इसका मतलब है जो इसका क्लच सिलेंडर है उसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं है और वो काम नहीं कर रहा तो गाड़ी किसी भी के अंदर नहीं जाएगी इसको आप कितना हो तो हो दिक्कत होती है इस गाड़ी का क्लच सिलेंडर ट्रांसमिशन पर है जो की नीचे है इसके तो हमको इस गाड़ी को लिफ्ट पर चढ़ा कर इसको देखना पड़ेगा पर इसकी जो लोकेशन है जहाँ पर आप इसका ब्रेक ऑयल डालोगे वो यहाँ पर है कैबिन फिल्टर के जस्ट पीछे ये कैबिन फिल्टर है जो की होता है बीएमडब्ल्यू थर्टी नाइन में इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई कैबिन फिल्टर है वो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने बी कैबिन फिल्टर टेम्परे बनाए थे ताकि अंदर मिट्टी वगैरह ज्यादा ना जाए तो इसको निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा की आपको ऑयल कहाँ डालना है ब्रेक ऑयल जो की इसके अंदर डॉट फॉर ब्रेक ऑयल डलता है तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका ये क्लिप नीचे करनी पड़ेगी उसके बाद आप इसका ऊपर वाला कवर हटाओगे ये रहा वो कैबिन फिल्टर जो मैंने इसमें जुगाड़ करके लगाया है अभी के लिए उसके बाद ये आपको साइड की एयर डक्ट हटानी है इसका जो ये साइड में वेदर स्ट्रिपिंग है इसको भी आपको साइड पर करना है और ये एक एंगल पर बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद मैं इसको साइड पर रख देता हूं ताकि मैं इसको खराब ना करूं और ये आप देख रहे हो तो ये जेड एफ का ट्रांसमिशन ऑयल है जो कि एफ टेन डलता है वापस आने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो रेजर्वर है जो कि ब्रेक रेजर्वर है यहाँ पे नीचे ब्रेक लाइन जा रही है जो की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाड़ी में सारे के ब्रेक ऑयल और ये ब्रेक बूस्टर इसके पीछे है तो ब्रेक का एक कैप खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर अभी ब्रेक ऑयल कम है यह ब्रेक ऑयल अभी मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ पर देख सकते हो इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है मैंने गाड़ी पर एक प्रॉपर

रेस्ट कर देता है जहां जहां पर वो ज्यादा टाइम तक रहता है इसलिए ब्रेक फ्लूड बहुत ही खराब चीज है ज्यादा टाइम तक छोड़ने के लिए और जैसे कि देख सकते हो गाड़ी को मैंने लिफ्ट पर लगा दिया और यहाँ पर और चीजें तो लीक हो रही हैं बट ट्रांसमिशन और यहाँ पर आपको ड्रिप होता दिख जाएगा अभी भी ब्रेक फ्लुइड तो नीचे जो गिर रहा है अभी ये सारा का सारा ब्रेक फ्लूड है ये ब्रेक फ्लूड सिर्फ मास्टर सिलेंडर में से अभी लीक हो रहा है जो कि यहाँ पर पीछे लगा हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये मास्टर सिलेंडर है इसका और आपको ऐसे सॉकेट सेट से इसको बाहर निकालना पड़ेगा आई थिंक ये थर्टीन मिलीमीटर mm के नट थे दोनों साइड पर और इसमें सिर्फ दो ही नट हैं और एक ब्रेक लाइन है जो कि हमको निकालनी पड़ेगी दोनों नेट को निकालने के बाद अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसकी जो ब्रेक लाइन है उसको भी

2002 तक काफी ज़्यादा सेम सिलेंडर यूज होता था E46 में भी, 39 में भी E1 की सेवन सीरीज़ जो मैनुअल थी उसके अंदर ये सेम क्लच सिलेंडर यूज होता था इस क्लच सिलेंडर की काफी ज्यादा हालत खराब है क्योंकि पुराना क्लच सिलेंडर है इसके अंदर जो ब्रेक फ्लूड है वो भी बिल्कुल खराब है तो अंदर से आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा रस्टी होने वाला है इसकी वजह से जो ऊपर वाली जो सील होती है इसकी रबर की सील यहाँ से वो कट गई है और आप यहाँ पे ऑल दो ये इतना गंदा है बट थोड़ा मेकआउट कर सकते हो कि यहाँ से कुछ ये उठा हुआ है ये इसकी रबर की सील है जो कि ब्रेक फ्लूड को बाहर नहीं आने देती और अगर ऑयल लीक होगा तो इसके अंदर प्रेशर ऑब्वियसली बन नहीं पाएगा उसकी वजह से हम हमारा जो अंदर का क्लच है उसको हम यूज नहीं कर सकते उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन करने की कोशिश करी है ताकि मैं हाथ से पकड़ू तो ये सारे के ग्लव्स या कुछ गंदा ना करे उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया और थोड़ा सा डीजल थोड़ा सा पेट्रोल से इसको सारे साफ करने की कोशिश करी है। साफ करने के बाद देख सकते हो अब इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सही है और हम मेकआउट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में दिख कैसा रहा है ऊपर की जो सील भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइड से ये उठा हुआ है इसपे मेटल की रिटेनिंग क्लिप है और उसके नीचे ये रबर की एक बुशिंग होती है I don't think कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, वी विल साफ करने के बाद अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि अंदर से इसकी कंडीशन कैसी है आई डोंट थिंक ये रबर मुझे यहाँ पर मिलेगी लोकली तो अगर हम ये इसको ठीक नहीं कर पाए तो एंड में हमको एक नया क्लच सिलेंडर ऑर्डर करना पड़ेगा तो इस क्लच सिलेंडर को ओपन करने के लिए हमको ये मेटल की क्लिप पहले हटानी पड़ेगी उसके साथ ही ये रबर की क्लिप और स्प्रिंग ये सारा साथ में आ गया उसके बाद ये अंदर आप देख रहे हो ये पिस्टन है बट ये जो साइडों पे देख रहे हो आप ये काफी ज्यादा रस्ट है इसमें इतना रस्ट होने की वजह से आई थिंक कि ये क्लच सिलेंडर अब काम का नहीं रहा बट हम इसको ट्राई करके देखेंगे साफ कर कर लगा कर की अगर ये चल सकता है या नहीं बट इतना ज्यादा रस्ट है यार वीडियो पे तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा बट बहुत ज्यादा रस्ट था इसके अंदर जो मैं यहाँ पे पे साइड कर रहा हूं, ये सारा का सारा रस्ट है इसको मैं एक बार कपड़े से साफ कर लेता हूँ ताकि मैं ये अंदर ना इंट्रोड्यूस करूँ इसके सिलेंडर में ये जो ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर ये इसका पिस्टन है इस पिस्टन को मैंने जितना साफ करना था उतना कर दिया उसके बाद अब हम इसको निकालते हैं इसको आपको ऐसे लाइटली टैप करना होता है और ये धीरे धीरे बाहर

इसको मैं आपको फ्लैश लाइट पर दिखाता हूं अब तो देख सकते हो अंदर बिल्कुल एंड तक सारे के सारे ही बहुत ज्यादा रस्ट है और इसके अंदर तो यार बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए अगर क्लच अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए बट जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर सारे के बहुत ज्यादा रस्ट बिल्डअप हो चुका है इसका कारण है इसका जो ब्रेक फ्लूड है वो बहुत ज्यादा पुराना था और वो एक एसिड का काम करता है कुछ सालों के बाद तो सबसे पहले हमको इसको प्रॉपरली साफ करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले कि इसका जो अंदर का मटेरियल है वो सारा हम बाहर निकाल लें अगर पिस्टन की बात करते हैं तो पिस्टन पर भी काफी ज्यादा है और ये पिस्टन ऐसा है इसकी तो जो ओरिंग है इसके अंदर भी एक क्रैक है और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है यही कारण है की इसमें से जो ऑयल है वो लीक हुआ है रबर कुछ टाइम के बाद डिग्रेड होने लगती है ये पच्चीस साल पुरानी रबर है और ये क्लच सिलेंडर गाड़ी के साथ का ही है तो ये पच्चीस साल पुराना क्लच सिलेंडर है जिस हिसाब में कंडीशन थी इसकी ब्रेक थीइड की आई थिंक की वो भी पच्चीस साल पुराना ही है तो यहाँ पर देख सकते हो इवन की जो पिस्टन के और रबर के बीच में जगह है वहां पर भी कितना ज्यादा रस्ट है ये रबर को मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये पूरा सील नहीं कर रहा फिलहाल यहाँ से ब्रेक फ्लूड आराम से निकल सकता है उसके बाद मैं ट्राई करूंगा इसके जितने भी रस्ट है जहां जहां पर इस पिस्टन पर वो साफ कर पाऊंगा बट इसका जो बिल्डअप है वो बहुत ही ज्यादा है मैंने कभी इतना ज्यादा रस्ट कहीं पर भी नहीं देखा है स्पेशली ब्रेक सिस्टम में ये फाइनली जो ऊपर वाला एरिया में को लग रहा था कुछ और है बट ये भी रस्ट है ये इतना एम्बेडेड हो चुका है इसके अंदर जो इसका जो कोटिंग है पिस्टन की उसके भी नीचे तक ये रस्ट चला गया है उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे इसका ये रबर बूट हटा देता हूँ और इसकी मेटल की क्लिप भी हटा देता हूँ तो इसको हमको एक सैंड पेपर से सैंड करना पड़ेगा ये बिल्कुल नए जैसा नहीं दिखेगा और उसका वो पर्पज भी नहीं है सैंडिंग का ताकि जो ये क्लच का ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा स्मूथ हो जब हम क्लच दबाए कहीं पर भी अटके ना जिनको अगर जानना है ये पंद्रह का सैंड पेपर है जो की ज्यादा फाइन भी नहीं है और ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है उसके बाद में इस सेम सैंड पेपर को इसके जो सिलेंडर है क्लच का उसके अंदर पूरा का पूरा साफ करूंगा क्योंकि मेन एरिया यही है जो साफ होना चाहिए क्योंकि जहां पर ही जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव करेगा और यहाँ पर ही हमारा ब्रेक फ्लूड रहे अगर इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स know, था, या, वो गलत था बट मैंने इस पेपर पे पानी की इसके अंदर ब्रेक फ्लूड ही चलता है उसके बाद असेंबली के टाइम पर मैंने ढक्कन में थोड़ा सा ब्रेक फ्लूड लिया और मैं इसके रबर की सील पर थोड़ा सा वो लगा रहा हूँ ताकि ये सील बना पाए आई डोंट थिंक ये बनाएगा बट कोशिश करने में क्या जाता है क्योंकि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं और ये मैं नहीं ढूंढ पाया था ये रबर भी यहाँ पर तो इसको मैं ऐसे ही असेंबल करके देखूंगा अगर ये ठीक रहा या नहीं उसके बाद जो अंदर सिलेंडर हेड है हमारा पूरा पर ऑयल चलेगा उसको भी मैं थोड़ा लुब्रिकेट कर रहा हूँ और अब ये इतना क्लीन हो चुका है कि जो अगर मैं वाइट क्लव भी यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी पार्टिकल्स नहीं आ रहे हाथ पर भी फील नहीं हो रहे पूरा सरफेस बिल्कुल ही क्लीन है और इसको मैं वापस ऐसे के ऐसे लगा देता हूँ तो यहाँ पर ये पिस्टन को मैंने अंदर प्रेस कर दिया है अब बिल्कुल सही काम कर रहा है अगर मैं क्लच पैडल के हिसाब से देखूं तो अगर ये चल गया तो बहुत ही ज्यादा क्लच पैडल की क्लिप और करता हूँ रबर, रबर के ऊपर अगर कुछ मेटल रखते हो तो वहाँ पर वो इंडेंटेशन हो जाती की यहाँ पर था तो वो देखते हुए मैंने ऊपर की मेटल की क्लिप को वापिस अपनी जगह पर लगाया है इसके लिए आप एक बड़ा सॉकेट भी ले सकते हो और ऐसे थोड़ा टैप भी कर सकते हो ये मेटल की क्लिप ताकि ढंग से लग जाए तो मैं यहाँ पर टैप भी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अब जैसे इसको यूज करने की कोशिश करी है तो ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है उसके बाद आपको ऐसे धीरे धीरे टैप करना है चारों साइड पर ताकि इसका जो क्लिप है वो ढंग से बैठ जाए <laughs> क्लिप बैठने के बाद देख सकते हो ये चारों साइड पर प्रॉपरली बैठ चुका है और कहीं से भी यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है और जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऊपर से फोर्स कर रहा हूँ जैसे कि हमारी अगर क्लच पेडल करेगा गाड़ी में से तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है कहीं पर भी अटक नहीं रहा ये और लेट्स सी अब ये लगाने के बाद ये काम करता है या नहीं बट बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और 22 मिलीमीटर mm का अगर आपके पास लंबा सॉकेट है तो पूरा पूरा फिट होता है और ऊपर से आप इसको टैप करोगे तो ये ढंग से बैठ जाएगा इसकी जो क्लिप है वो ढंग से बैठ जाएगी उसके बाद मैं इसके जो ब्रेक लाइन है उसको लगाता हूँ और यहाँ नीचे से ही मैं इसको सिस्टम को ब्लीड करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि ये लीक करता है या नहीं आपको यहाँ पर दो आदमी की जरूरत हो सकती है क्योंकि जो मेटल लाइन है उसके ऊपर आपको ऊपर से ही पकड़ना पड़ेगा और नीचे से टाइट करना पड़ेगा और यहाँ पर ये यह ब्रेक लाइन पूरी प्रॉपरली टाइट हो चुकी है उसके बाद मैंने इसको मैनुअली यहाँ पर ब्लीड करने की कोशिश की है ब्लीड का प्रोसीजर बहुत ही सेम है पहले इसमें पूरा पूरा ऑयल पंप करना पड़ता है और ऊपर रेजर्व में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कम ना हो वो भी एड करते रहना साथ के साथ अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे दबाता हूँ तो ये हमारा अंदर का क्लच पेडल में मिक मैं इसको दबा के रखूंगा और ब्रीदर खोलूंगा तो यहाँ से ब्रेक ऑयल या हवा आनी चाहिए उससे जो सिस्टम में एयर है वो नहीं रहेगी और यहाँ पर बहुत है तो जैसे कि देख सकते हो अभी तक तो ये लीक हुआ नहीं है और क्लच पैडल अभी भी स्मूथ ही चल रहा है जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ ये अंदर का क्लच पैडल में मिक कर रहा है और यहाँ से मैं अगर ब्रीदर खोलता हूँ तो यहाँ से एयर भी आ रही है और ब्रेक ऑयल भी आ रहा है तो आई थिंक यहीं से ये यह ढंग से ब्लीड हो जाएगा ये ऊपर ना होता नहीं ढंग से ये यह यहाँ से होता है हवा बन रही थी ये जो पटो पटो नहीं निकला सुनो भाई साहब पर यार जैसे ही मैंने इस टाइम पर ये आगे देखा तो यहाँ से ब्रेक फ्लूड वापस आने लग गया था तो यहाँ से ही आगे लीक करने लग गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से यहाँ से ट्रिप हो रहा है बट मैंने फिर भी इसको ब्लीड करने की कोशिश की थी कि भाई ब्रेक फ्लूड बार बार डाल लेंगे जब तक कि दूसरा ये क्लच सिलेंडर नहीं मिलता या ऑर्डर नहीं करते तो उस टाइम तक ये काम कर गया था मैं ब्रेक फ्लूड ऐड करता था जितना भी यूज करते थे उसके बाद गाड़ी चलने लायक थी मतलब गेयर्स में जा रही थी तो इसको मैंने यहाँ से प्रॉपरली ब्लीड किया था और क्लच पैडल बिल्कुल ही स्मूथ वर्क कर रहा था ऑल दो ये यहाँ से ब्रेक फ्लू लीक हो रहा था बट जो क्लच पैडल पहले अटकता था अब वो बिल्कुल ही स्मूद वर्क कर रहा था इसकी रिबिल्ड किट आती है और यूके वो बहुत ईजीली अवेलेबल है बट अंदर से जो हालत है इसकी उसको देखते हुए आई थिंक की हमको क्लच सिलेंडर नया ही यूज करना पड़ेगा पर यहाँ पर देख सकते हो आगे से आप बिल्कुल एक्टिव लीक यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही क्लच पेडल पूरा का पूरा ब्लीड होता जा रहा है और ये लीक इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे को हर रोज मेरे को कम से कम एक बॉटल इसकी ब्रेक फ्लुड की डालनी पड़ रही थी उसके बाद ये नया क्लच सिलेंडर हमारे आशीष भाई ने हेल्प करी थी हमको मंगवाने में और मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर मेंशन कर दूँ ये क्लच सिलेंडर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है क्योंकि मैंने रात को लगाया था तो ज्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाया बट ये, ये आप देख सकते हो बिफोर मैंने ऐसे लगाकर इसमें छोड़ दिया था और आफ्टर जब मैंने क्लच सिलेंडर लगा दिया था ये क्लच सिलेंडर बिल्कुल ही ज्यादा स्मूथ है और ढंग से ब्लीड हुआ सब

Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never Captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh.